नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं आपको कन्वर्जेंस टेस्ट कराने जा रही हूँ फॉर सीरीज ऑफ आर्बिट्री टर्म्स। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ऑलरेडी इतने सारे कन्वर्जेंस टेस्ट करा दिए हैं, जैसे कॉशीज एनथ रूट टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इतने सारे कंपेरिजन टेस्ट, बर्ट्रेंड एंड डी मॉर्गन्स टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे कन्वर्जेंस टेस्ट करा चुकी हूँ, लेकिन वहां पर जो हमने कन्वर्जेंस टेस्ट कराए थे वो सभी के सभी पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड थे। यहां अब हम बात कर रहे हैं आजकल जिस टॉपिक की, वो है आर्बिटरी टर्म्स, जहां पर टर्म्स जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकते। तो ऐसे केस में हमारे पास में कन्वर्जेंस टेस्ट भी अलग होंगे। तो उन कन्वर्जेंस टेस्ट में से आज जो पहला कन्वर्जेंस टेस्ट है वो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। इफ द सीक्वेंस U and B bounded and if the sequence VN be positive and monotonically decreasing, then the series UN VN minus VN plus 1 is absolutely convergent. क्या कहता है ये रिजल्ट कि अगर हमारे पास में कोई भी एक सीक्वेंस है UN जो कि बाउंडेड है और हमारे पास में एक सीक्वेंस है VN जो कि पॉजिटिव है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो हमारे पास में जो सीरीज आएगी, सीरीज UN इंटू VN माइनस VN प्लस 1, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। यानी कि जो हमें यहां पर कंडीशंस दे रखी है कि UN बाउंडेड है, सीक्वेंस UN बाउंडेड है, यानी कि देयर एग्जिस्ट नंबर के हो जाएगा सच दैट मॉड ऑफ यू एन लेस देन के फॉर ऑल एन, और हमें दे रखी है सीक्वेंस वी एन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी हर एक जो वी एम प्लस वन है वो लेस देन वी एम है फॉर ऑल एन। ये एक और कंडीशन है, जब ये दोनों कंडीशन हमारी यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट सीरीज यू एन वी एन माइनस वी एन प्लस वन जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, यानी कि इससे ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज ऑब्टेन हो रही है ये कन्वर्ज हो रही है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या है, सिंस द सीक्वेंस यू एन is bounded, हमारे पास में sequence UN जो है वो bounded है, therefore there exists a positive number k such that mod of UN less than k for all n. We have to prove, हमें prove करना है सीरीज यू एन इंटू वी एन माइनस वी एन प्लस वन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हमें ये प्रूव करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है यू एन वी एन माइनस वी एन प्लस वन
इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीरीज है यहां पर जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई। अब अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज को हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो हम खाली इतना प्रूफ कर दें कि इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है वो बाउंडेड अबव है, तो ये अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं दैट इज टू प्रूव सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ दिस सीरीज यू एन इंटू वी एन माइनस वी एन प्लस वन इज बाउंडेड अबव। अगर हम इसको ये प्रूफ कर दें कि ये जो सीरीज है ये बाउंडेड अबव है, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, तो ये अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये हमें कहां से पता चला, फंडामेंटल रिजल्ट फॉर द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जो कि स्टेट करता है कि कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज को अगर आपको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो अगर आप उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को बाउंडेड अबव प्रूफ कर दो तो वो सीरीज जो है वो अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब हम कंसिडर करते हैं, अब अगर इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को बाउंडेड अबव प्रूफ करना है तो कंसिडर करते हैं, कंसिडर एन इज इक्वल टू वन टू एम यू एन इंटू वी एन माइनस वी एन प्लस वन। अब यहां पर ये हमारा n इज इक्वल टू वन टू एम यू एन वी एन माइनस वी एन प्लस वन, ये मॉड से बाहर आ गया बिकॉज हमारे पास में सीक्वेंस वी एन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वी एन ग्रेटर देन वी एन प्लस वन है फॉर ऑल n, देयरफॉर वी एन माइनस वी एन प्लस वन This is greater than equal to zero. Sorry. तो ये हमारे पास में मॉड से बाहर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारा u1 v1 वन माइनस वी टू मॉड यू टू वी टू माइनस वी थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस मॉड यू एन माइनस वन यू एम माइनस वन वी एम माइनस, सॉरी लास्ट टर्म जो हो जाएगी वो हमारी मॉड ऑफ यू एम माइनस वन इंटू वी एम माइनस वी एम माइनस वी एम माइनस वन माइनस वी एम प्लस सॉरी जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे अलग अलग वैल्यूज तो ये आ जाएगा हमारे पास में मॉड यू वन वी वन माइनस वी टू प्लस मॉड यू टू वी टू माइनस वी थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट वाली जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ गया मॉड यू एम यू एम माइनस यू एम प्लस वन, सॉरी वी एम। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, अब हमें पता है कि यू एन मॉड यू एन लेस देन इक्वल टू के है फॉर ऑल एन, therefore u1 less than equal to k u2 less than equal to k, ये सभी के सभी जो है up to um less than equal to k ये हमारे पास में मिल जाएगा। therefore this is less than equal to this inequality, ये वाली जो हमारी inequality है this is less than equal to k times v1 minus v2 प्लस के टाइम्स वी टू माइनस वी थ्री प्लस के टाइम्स वी थ्री माइनस वी फोर प्लस एंड सो ऑन
प्लस के टाइम्स वी एम माइनस वी एम प्लस वन। यहां सभी के सभी हम के कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया वी वन माइनस वी टू प्लस वी टू माइनस वी थ्री प्लस वी फोर माइनस प्लस वी थ्री माइनस वी फोर प्लस एंड सो ऑन प्लस वी एम माइनस वी एम प्लस वन। ये सभी के सभी टर्म्स ऑल्टरनेट साइंस होने के कारण कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास में रह जाएगा k टाइम्स v1 वन माइनस वी एम प्लस वन, यानी कि k v1 वन माइनस k टाइम्स v m प्लस वन। ये सभी के सभी जो है वो k v1 से छोटे हैं, इसमें से k v1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो ये टोटल टर्म जो है वो k v1 से छोटा रहेगा। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, कौन सी सीरीज है हमारे पास में, सीरीज मॉड यू एन इंटू वी एन माइनस वी एन प्लस वन इज बाउंडेड अबव बाय के वी वन। ये बाउंडेड अबव है बाय के वी वन, देयरफॉर सीरीज यू एन वी एन माइनस वी एन प्लस वन इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास में एक कन्वर्जेंट सीरीज आ जाती है, देयरफॉर सीरीज यू एन इंटू वी एन माइनस वी एन प्लस वन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट टू रिजल्ट में जो मैं अगली क्लास में कराऊंगी, जो कि है ड्रिचलेट्स टेस्ट और एबल्स टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इन टेस्ट में यूज किया जाता है। अगर आपके पास में ड्रिचलेट और एबल्स टेस्ट जो है वो उनकी वेटेज काफी ज्यादा है, तो आप उन टेस्ट में डायरेक्टली इसको यूज नहीं करते हो, आप इसको प्रूफ भी करते हो उसके बाद में यूज करते हो। और अगर आपको कम वेटेज में ड्रिचलेट और एबल्स टेस्ट दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली इसकी स्टेटमेंट को यूज करते हुए ड्रिचलेट टेस्ट को और एबल्स टेस्ट को प्रूफ करते हो। लेकिन ये दोनों जो टेस्ट हैं जो मैं आपको अगले क्लासेस में कराऊंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको आज के वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।